हेलो मेरे प्यारे साथियों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ पीयूष और आप देख रहे हैं विलो। तो हम लोग ने जैसे लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर लिया था कि रेजिस्टेंस आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, तो वही रेजिस्टेंस लेके आ चुके हैं। लेक्चर नंबर 2 है तो बहुत मजा से और आज की क्लास शुरू करते हैं। तो रेजिस्टेंस जैसे कि मैंने थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया था, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ अ करेंट थ्रू इट। ये बताता है कि फ्लो ऑफ करेंट कैसे चल रहा है, ठीक है, कितने ओम में चल रहा है या फिर कितने आपका चल रहा है। उसी तरह यूनिट है आपका इसका होम, जिसको हम लोग ऐसे निरूपित करते हैं, ठीक है। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ ए वायर 1 वोल्ट एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 1 एम्पीयर, देन द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओम। तो इसी से ही हमारा, जैसे कि हम लोग ने देखते आया कि ऐसे ही आपका आता है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। I इज इक्वल टू वी आर, इसको याद करके रखना है हम लोग को। द करेंट फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिशनल। क्या मतलब यह कि I जो है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, ठीक है। इफ द रेजिस्टेंस इज डबल देन द करेंट गेट्स हाफ, यानी कि आपका I जो है ऊपर जाएगा तो R नीचे जाएगा, है ना। आई बढ़ेगा तो आर घटेगा, तो ऐसा कुछ होता है इनवर्सली पर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो हमारा फैक्टर कैसे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स 3 चीज़ पर करता है, लेंथ पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और फिर मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, ओके। रेजिस्टेंस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। जैसे कि हम लोगों ने बताया आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि लेंथ के, और आर जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है सारे डिटेल में, तो आप इसको पढ़ सकते हो। वेयर रो इज़ अ कॉन्स्टेंट ऑफ अ कॉल्ड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को रो से हम लोग डिनोट करते हैं, रो ऐसे लिखाता है, ठीक है, रो इसको बोलते हैं, तो ऐसा रो लिखाता है, तो आप लोग देख लेना। ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, तो कंडक्टर का कैसा रेजिस्टिविटी है उसको रो से डिवाइड करते हैं। जैसा यानी SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, इसका भी ओम मीटर, अगर होम सिर्फ रहा है तो वो रेजिस्टेंसन हो जाए, क्या बोलते हैं उसको, रेजिस्टेंस हो गया। अगर ओम मीटर है तो वो रेजिस्टिविटी हो गया, ठीक है। कंडक्टर्स लाइक मेटल्स एंड अलॉय हैव लेस लो रेजिस्टिविटी, तो इतनी से इतना रेजिस्टिविटी होता है, तो ये सब आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं रजिस्टर इन सीरीज और रजिस्टर इन पैरेलल। दो तरह के रजिस्टर्स लगते हैं, कैसे कैसे रजिस्टर्स, एक पैरेलल होते हैं और एक सीरीज में। तो पहले हम लोग सीरीज में बात करते हैं। जब रजिस्टर्स ऐसे लगे हुए होंगे, 1 पर 2 पर 3 पर, मतलब तीनों अलग अलग यानी कि एक ही लाइन में, तो हम लोग उसको सीरीज में बोलेंगे। एकदम सेम चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है एकदम डिटेल में, तो आप लोग इसको पढ़ लेना। और एक चीज़ यहाँ पर से कंक्लूड होता है कि टोटल वोल्टेज कितना होता है अगर सीरीज में रहे तो, सीरीज में रहे तो कैसा आता है, भी हमारा कैसे आता है और आर टोटल कितना आता है, ठीक है। तो ये हमारा अगर तीनों को प्लस कर देंगे तो आ जाता है, ठीक है। नीचे चलते हैं, तो नीचे हमारा कुछ दिया हुआ है डायग्राम, तो इसको पढ़ के आप लोग देख सकते हैं कि कैसे कैसे बन सकता है, ठीक है। रजिस्टर इन पैरेलल की बात कर लें, तो रजिस्टर इन पैरेलल में तीनों अलग अलग को लगाया जाता है, तीनों 3 लाइन में लगाया जाता है, 1st, 2nd, 3rd, ठीक है। 3rd लाइन में, 3 लाइन में लगाया जाता है। उसके बाद अगर हम लोग पूरा कंक्लूड करें तो इसमें भी नहीं होता, इसमें आई होता है, तो आई इसमें टोटल हो जाता है, ठीक है। और इस पर आर जो है आपका, आर टोटल उसको प्रोपोर्शनल करके रिवर्स करके आना पड़ता है, ठीक है, डन। उसके बाद अगर बढ़ते हैं तो ये देखिए आप लोग का एक एग्जांपल दिया हुआ है कि रेजिस्टिविटी पैरेलल और सीरीज में कैसे होता है। तो ये सीरीज में एक बना हुआ है, सीरीज में देखिए, अगर आप चुन्नू मुन्नू देखे होंगे या फिर आप लोग दिवाली में जो लाइट लगाते हैं उसको हम लोग सीरीज में लगा रहता है, अगर हम लोग का जो है घर में तो वो पैरेलल रहता है, क्योंकि अगर सीरीज जाएगा तो सारा शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर, लास्ट टॉपिक है, लास्ट में मजा करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखो शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं इसलिए थोड़ा थोड़ा जल्दी ले रहे हैं हम लोग। इट इज़ द वर्क डन टू मेंटेन, अगर आप लोग को 7 मिनट 8 मिनट में कोई प्रॉब्लम है, 11 मिनट में क्लास हो ख़त्म हो जा रही है, तो प्लीज़ मुझे बता दें, अगर आप लोग को लंबा चाहिए तो, ठीक है। अगर नहीं तो फिर हम लोग 7 8 11 मिनट में 1 शॉट ही करवा देंगे, जैसे कि